Hello, good morning. How are you? Fine, enjoy. Last lecture आपका भी और मेरा भी. यहाँ पर हमारा complete syllabus, textual exercise की illustration complete clear होगा. ध्यान देना. अब ये chapter की जो जान है, part 2, chapter number 2, binomial distribution. जान है. अगर शॉर्ट सम करना है तो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. सेम एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शॉर्ट सम आपको तभी आएंगे जब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थियरी आती होगी. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैं प्रॉपर्टीज लिखते जाता हूँ. नंबर वन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल. कंफ्यूज मत होना, मिक्सअप मत करना. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वेरिएबल. क्लियर? एन एन पी आर पैरामीटर आपको थियरी मेरे साथ लिखते ही जानी है. वहां पे थे म्यू एंड सिग्मा आर पैरामीटर, यहाँ पे एन एन पी आर पैरामीटर. पॉइंट नंबर 3, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन पी क्यू. एन पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन पी क्यू, यानी मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होगा. पॉइंट नंबर 4, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को बोला जाता है एनपी. क्या बोला जाता है? एनपी. वेरिएंस को बोला जाता है एनपीक्यू. क्या बोला जाता है? एनपीक्यू. और स्टैंडर्ड डेविएशन को बोला जाता है रूट एनपी. यानी सिंपल ये हुआ कि मीन हमेशा बड़ा होगा, वेरिएंस हमेशा छोटा होगा. वेरिएंस हमेशा छोटा होगा, ये पॉइंट नंबर 4 हुआ. अब सिंपल पॉइंट है, सबज पॉइंट, इजी इजी है. क्या इजी है? तो पॉइंट नंबर 5, अगर इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 से कम, तो ये तुम्हारी कौन सा हो गया, ये एमसीक्यू में आ सकता है. कौन सा स्क्यूनेस है? पॉजिटिव स्क्यूनेस. कौन सा स्क्यूनेस? पॉजिटिव स्क्यूनेस. अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी है, तुम्हारी 0.5 से बड़ी है, इसको बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस. क्या बोलेंगे? नेगेटिव स्क्यूनेस. अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इसकी स्क्यूनेस क्या होगी? 0. इसको सिमेट्रिक बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक. याद रखना, सिमेट्रिक का मतलब जहां पे p इज इक्वल टू 1/2, यानी समझ लो p 1/2 है तो q भी 1/2 ही होगा. क्लियर? समझ में आया? मिक्सअप मत करना, क्योंकि दोनों दो के अंदर सेम प्रॉपर्टीज है, तरीका भी सेम है, मगर दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है. नॉर्मल में था मीन मीडियन मोड सेम हो गए, यहाँ पे मोड वाली कोई चीज नहीं, यहाँ पे मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस होगा. तो याद रखना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हुए, तो एक हिंट दे देता हूँ, 3 मार्क में ये क्वेश्चन या तो 2 मार्क में क्वेश्चन थियरी में आ सकता है. प्रैक्टिकल सम भी करने जो अपना शॉर्ट सम बाकी है, तो उसके लिए थियरी आना जरूरी है. ये थियरी आना जरूरी. अब अपने थियरी देखी. अब थियरी के रिलेटेड शॉर्ट सम देखेंगे. शॉर्ट सम मैं तो बोलता हूँ मजाक कर रहे हो तुम लोग, टाइम पास कर रहे हो, इतने इजी सम है. अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो स्कोर कर लोगे बेटा. क्या स्कोर करोगे? टाइम नहीं बिगाड़ना है, थोड़ा ध्यान देना. इलस्ट्रेशन नंबर 13, लोगों के टेंशन दूर. सर ने 13 नहीं कराया था बेटा, आप करा दिया. देख लो ये शॉर्ट सम है. क्या दिया है? क्वेश्चन समझना. पेज नंबर 83 टेक्स्ट बुक खोल के बैठना. द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन समझो. द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 3.9 एंड 2.73. फाइंड द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल. आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द एन. एन नंबर मींस एन ढूंढना है. एंड राइट पी ऑफ एक्स लिखना है. कुछ नहीं करना है. अब ये सब समय तो एक मेथड है, ध्यान देना. सॉल्यूशन एन पी क्यू डिवाइड बाय एन पी. एन पी क्यू 2.73, एन पी 3.9, एन पी गया. क्यू इज इक्वल टू 2.73 डिवाइड बाय 3.9, तो क्यू मिल गया आपको 0.7. अब क्यू मिल गया तो पी तो मैंने पहले ही सिखाया है, 1 माइनस क्यू, तो पी इज इक्वल टू 0.3. मगर आपको पी नहीं पूछा, एन पूछा है. कैसे करेंगे? चेक करो, सब कुछ दिया हुआ है.
आपको एनटी पहले से कितना दे दिया है 3.9, तो मैंने क्या करा एन ढूंढना है, पी की जगह मैंने क्या रख दिया, पी की वैल्यू रख दी, क्लियर। अब सिंपल सी बात है, एन इज इक्वल टू 3.9 डिवाइड बाय 0.3, तो एन इज इक्वल टू 13। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या बोला, पी एक्स लिखो, पी एक्स का मतलब फॉर्मूला में लिखो, फॉर्मूला क्या थी, एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, सब कुछ नहीं करना है, 13 सी एक्स एक्सर बोला था, एक्सर जब छोड़ो भाई काहे की मेहनत करनी, पी आ रहे 0.3 रेस टू एक्स, क्यू आ रहे 0.7 13 माइनस एक्स, वेर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, क्लियर। ये तुम्हारा पहला सम कवर हुआ। अब सेम सम है, सम नंबर है ही, इलस्ट्रेशन सम नंबर है ही, थियरी आएगी तो ही समझेंगे। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 18 वाई एंड वेरिएंस दैट इज एनपी क्यू इज 4.5। क्वेश्चन समझना, वेदर द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सर सवाल क्या पूछा भाई, वेदर द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस पॉजिटिव नेगेटिव किसके रिजल्ट की खबर पड़ती है, आगे बताया पी, यानी आपको पी ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे अभी बताया, कोई मेथड बदलूंगा ही नहीं मैं, 4.5 / 18 एनपी एनपी गया तो क्यू इज इक्वल टू 0.25, तो P इज इक्वल टू 1 - Q, 1 - 0.25, तो QB इज इक्वल टू 0.75। अब तुमको पूछा स्क्यूनेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप इस आगे जाके बुक में जो लिखा है थियरी चेक करो, कैसे कि इफ P इज ग्रेटर देन 1/2, देख लो 0.5 से बड़ी है तो स्क्यूनेस इज नेगेटिव। सम इज ओवर डियर, आपको थियरी पोर्शन को फॉलो करना है, अगर आपको थियरी आई तो सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब इसी टाइप का सम एक्सरसाइज 2.2 में सम नंबर 1 और सम नंबर 2 मेरे नहीं कराए थे, 3, 4, 5 कराए थे, वो इसके लिए कोई इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, एन इज इक्वल टू 8 एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, इसके लिए मैंने सब पहले नहीं कराया क्योंकि थियरी का पोर्शन था। अब डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक है, भाई वापिस से मेरी प्रॉपर्टीज में जाओ, लास्ट पॉइंट पढ़ो कि जब तुम्हारी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक होगी तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा, पी 1/2 है तो क्यू क्या होगा, क्यू इज ऑल्सो 1/2, पी मिल गया, क्यू मिल गया, एन मिल गया। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, पैरामीटर नहीं पूछा है, जूना ही सब पूछा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, 1 और पी 0, क्योंकि 1 इक्वल बोला है, लेस देन 1 0, और तो कुछ बनेगा नहीं। सर कौन सी फॉर्मूला लगेगी, सॉल्व आप ही करोगे, एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, आगे के जितने भी सब में तो वहां पी और क्यू दे दिया जाता था, यहाँ पे पी और क्यू इस प्रकार दिया, ये वर्ड से सिमेट्री, क्लियर। सम नंबर 2 वन ऑफ माय फेवरेट, अगर मैं पेपर निकालूं तो इस टाइप का सम पूछूंगा, क्या दिया है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, मीन इज 5 एंड वेरिएंस, वेरिएंस वेरिएंस इसको बोलते हैं, वेरिएंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये याद करो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब क्या होता है, पी, फेलियर का मतलब क्यू होता है। फाइंड द पैरामीटर, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, तो भाई मेरा थियरी का पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी एन एंड पी आर पैरामीटर्स, सॉल्व कैसे करेंगे कुछ दिमाग नहीं लगा है, देखो चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, एन पी क्यू इज इक्वल टू पी, इंफॉर्मेशन दी है ऑलरेडी, मेरे पास एन पी की वैल्यू अवेलेबल है, एन पी इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 5 क्यू इज इक्वल टू पी। अब मेरे को ढूंढना क्या है, एन पी नहीं दिया हमको, पैरामीटर दिया, पैरामीटर दिया तो थियरी आना चाहिए कि एन एन पी आर पैरामीटर, यानी पी ढूंढना है। अब पी ढूंढना है तो मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा, तो देखो मैं क्या करता हूँ, क्यू इज इक्वल टू 1 - पी,
लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, फाइव की जगह फाइव लगा, क्यू की जगह क्या कर दिया, वन माइनस पी इज इक्वल टू पी। अब सॉल्व करेंगे, फाइव वन जा फाइव माइनस फाइव पी इज इक्वल टू पी, माइनस फाइव पी इधर आ गया तो प्लस हो गया, सिक्स पी इज इक्वल टू फाइव, देयरफॉर पी इज इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्स, पी मिल गया। अब क्या ढूंढना है, एन, एन कैसे ढूंढेंगे, तो पहले समय ही बताया कि ऑलरेडी हमको एन पी दिया हुआ है फाइव, एन की जगह एन रखा, पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, फाइव अपॉन सिक्स इज इक्वल टू फाइव, तो कॉमन है, एन इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू साइन है, तो एन इज इक्वल टू सिक्स, एन इज इक्वल टू सिक्स। ओके क्लियर, कंप्लीट कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे यही शॉर्ट सम में, सेक्शन बी सम नंबर सिक्स, बहुत इजी सम है, टाइम पास ही करना है, देखना टाइम पास ही करना है। सम नंबर सिक्स पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 96 यही चैप्टर का सेक्शन बी, क्या दिया है, मीन ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन यानी एनपी ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनडायरेक्टली आपको दे दिया पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, मीन ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेवन, NP is equal to 7. Find the value of parameter n. आपको सिर्फ क्या find करना है, n find करना है। देखो sum over हो गया, एक ही line में sum over हो गया, n की जगह n, p की जगह 1 upon 2, 7, therefore n is equal to 14. Sum number 6 is over. Sum number 7. The parameter are 10 and 2 upon 5. अब आपको theory आनी चाहिए, parameter किसको बोलते हैं, n and p are parameter, n and p दिया, find variance, variance का मतलब क्या होता है, n n दिया p दिया, q मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, 1 minus p, 1 minus 2 upon 5, therefore q is equal to 3 upon 5, formula में डाल दो, 10 multiply by 2 upon 5 multiply by 3 upon 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 3 2s are 6, 6 2s are 12, variance is equal to 12 upon 5, simple sum है बेटा। sum number 8, 9 theory है, sum number 10 देख लो, section B भी आपका cover हो गया, the probability of failure, question समझना, क्यों, क्योंकि success को P बोलते हैं, the probability of failure is 0.6, and number of trial n is equal to 5. Find out what tension wala question, find out probability of success yani kya dhoondna hai, p dhoondna hai, kaise dhoondenge, 1 minus q log, aur kuch mehnat karni padegi, clear, ye tumhara section b over hua। अब जाते हैं हम, कंटिन्यू करेंगे सेक्शन सी, इसके अंदर भी सम है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखो सम नंबर 4, ये आपको ही करना है, क्या दिया है, फोर, इफ एन इज इक्वल टू 4 फॉर अ सिमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक बोला है तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, p 1 अपॉन 2 हुआ तो क्यू भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, फाइंड p4 का मतलब क्या होता है, जहां जहां x लगाओगे वहां वहां 4 लगाना, n cx into p of x into q n minus x, क्लियर। सम नंबर 5 थियरी है, सम नंबर 6 बहुत काम का है, सेक्शन सी सम नंबर 6 बहुत काम का है, थोड़ा हमारा है, बट ये आपका टॉपिक। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस को अपने क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डबल, डबल का मतलब दो गुना, डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, अगर तुम्हारा क्यू 1 है तो पी कितना होगा, 2 होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 4, फाइंड आउट वेरिएंस, सिंपल सा लॉजिक है भाई, क्या पूछा है, n p q, चलो सॉल्व करते हैं, 2
P is equal to Q given. अब मैं क्या करता हूँ, चेक करना, ध्यान देना, P के बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस Q. तो देखो मैंने क्या करा, 2 की जगह 2 रखा, P की जगह 1 माइनस Q कर दिया इज इक्वल टू क्यू. आप क्या यहाँ पे बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, याद रखना. ऐसा नहीं कि सर ने P बदला तो P, तुम कुछ भी कर सकते हो. यहाँ पे 1 माइनस P ले सकते हो, यहाँ पे 1 माइनस Q ले सकते हो, तुम जो चाहो कर सकते हो. 2 1 2 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू क्यू. माइनस 2 क्यू इधर आ गया तो 2 इज इक्वल टू 3 क्यू. तो क्यू इज इक्वल टू 2/3. क्यू की वैल्यू मिल गई ऑटोमेटिकली. आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, पी मिल जाएगी. पी कैसा मिलेगा, 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 2/3. तो पी इज इक्वल टू 1/3. आपका क्वेश्चन क्या था, वेरायंस फॉर्मूला में डाल दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 8/9. 8/9 कुछ करना ही नहीं है. सम नंबर 7 आप कर लेना. क्या दिया चलो बता ही देता हूं, ना बोलोगे सर ने लोचे मार दिए, उनको अटका दिया. फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ढूंढना है. रूट एन पे क्यू, इफ एन इज इक्वल टू एट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज क्यू इज 2/3. क्वेश्चन समझो, सक्सेस दिया है फेलियर दिया. क्यू इज इक्वल टू 2/3 तो पी कैसा मिलेगा, 1 माइनस क्यू. क्लियर? अब फॉर्मूला में डाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना भाई. एन की जगह 8, पी की जगह 1/3, क्यू की जगह 2/3, 16/9. क्लियर? अब सिंपल है, रूट जाएगा या से स्क्वेयर जाएगा, तो क्या आंसर आया, 4/3. देखो कहाँ से आया, तो रूट भी गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9. क्लियर? सम नंबर 7 था. सम नंबर 8 बस दो ही सम बाकी है, फिर तुम्हारा टोटल टॉपिक कंप्लीटली ओवर हो जाता है, कुछ बचता नहीं है. सम नंबर 8 क्या होता है, फाइंड पैरामीटर यानी एन एन पी. इफ मीन इज 4 एंड वेरायंस इज 2. नहीं करता मैं, इसके पहले आपको मैंने बता दिया है सॉल्व करके. आप कर लोगे कि बता दूं, चलो बता ही देता हूं. एन पी क्यू डिवाइड बाय एन पी इज इक्वल टू 2/4 एन पी. एन पी गया, क्यू इज इक्वल टू 0.5, 2 डिवाइड बाय 4. क्यू 0.5 तो पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू. 1 माइनस 0.5 तो पी इज इक्वल टू 0.5. अब पूछा एन पी, एन पी तो मिल गया, एन ढूंढना है. एन पी इज इक्वल टू 4, एन पी जगह ये रखा, पी की जगह 0.5 रखा. एन इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 0.4, 4 डिवाइड बाय 0.5, एन इज इक्वल टू 8. क्लियर? सिंपल है. सम नंबर 10 आपको करना है, सम नंबर 9 लास्ट सम मैं बता देता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट. फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन इज इक्वल टू 10 एंड क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0.6, फाइंड आउट मीन. क्या पूछा है आपको, मीन. मीन का मतलब क्या होता है, एंड पी ढूंढना है. कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देना. क्यू के बदले में ऐसा लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस पी माइनस पी इज इक्वल टू. सर तुमने ये पी क्यों ढूंढा भाई, कॉमन है, मेरे को एन पी ढूंढना है. बराबर, अगर मेरे को एन पी क्यों ढूंढना होता तो मैं कुछ भी कर सकता, तुम यहाँ पे पी के बदले क्यू के बदले पी भी कर सकते हो, मगर वो आपका स्टेप बढ़ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी. क्लियर? माइनस टू पी इधर आएगा, सॉरी माइनस टू पी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 0.6 उधर जाएगा तो माइनस. 0.4 is equal to 2. तो P is equal to 0.4 divided by 2. तो P is equal to 0.2 million. अब पूछा है मीन करो, N दिया हुआ है is equal to 2, therefore NP is equal to 2. क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा completely part 2, chapter number 2, normal binomial distribution according to COVID-19 सिलेबस के मुताबिक जितने टॉपिक थे, बड़े सम, नहीं ये सब शॉर्ट सम मैंने
अवॉइड किए। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख के कंप्लीट करें। ओके।